यदि आप सेक्स करते समय ये तीन गलती करोगे तो आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो सकती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लेजेंड रोमियो। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप वे कौन से गलती करते हो जिसके कारण आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो सकती है। अक्सर देखा जाता है गाइज, लड़के अपनी गर्लफ्रेंड तो बना लेते हैं, अपने प्रेमिका के साथ में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन जब सेक्स की बारी आती है, सेक्स करते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड कुछ न कुछ गलती के कारण प्रेग्नेंट हो जाती है और लड़के बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई और वो भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में आपको बताते हैं वह कौन से तीन गलती है जिसके कारण आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो सकती है। वो तीन गलती को सुधार लोगे गाइस तो आपकी गर्लफ्रेंड कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी और आप जितना भी चाहे सेक्स का मजा ले सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो गलती है गाइस वो है पीरियड के समय सेक्स करना। जी हाँ गाइस, जब भी आपकी प्रेमिका या लड़की का या आपकी गर्लफ्रेंड का पीरियड चल रहा होता है उसमें आपको सेक्स करने से अवॉइड करना है। जी हाँ गाइस, पीरियड समय क्या होता है गाइस, लड़कियों का फीमेल स्पर्म होता है उसका स्राव होता है गाइस, उसमें पीरियड इसलिए होता है गाइस कि लड़की माँ बन सकती है। तो गाइस उस समय यदि आप सेक्स करो गाइस तो डेफिनेटली लड़की प्रेग्नेंट होगी ही होगी। तो क्या करना है गाइस, आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आपकी गर्लफ्रेंड का या आपकी प्रेमिका का पीरियड चल रहा है उस समय आपको सेक्स करना नहीं है। आप उस समय सेक्स को अवॉइड कर सकते हो। जब पीरियड खत्म हो जाता है या पीरियड से कुछ दिनों पहले आप सेक्स कर सकते हो, लेकिन आप पीरियड में नहीं कर सकते। अब दूसरा जो गलती करते हैं गाइस बहुत सारे लड़के करते हैं वो है गाइस कि सेक्स करते समय जब भी अपने प्रेमिका के साथ सेक्स करते हैं और ये लड़के ये सोचते हैं कि मैं तो स्पर्म उसके वजीना के अंदर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन गाइस क्या होता है प्री एजुकुलेशन होता है। जी हाँ गाइस, अभी आप सेक्स करते हो उस समय आपके पेनिस से व्हाइट कलर में स्पर्म निकलने से पहले निकलता है चिपचिपा पदार्थ, वो क्या होता है गाइस, वो प्री एजुकुलेशन होता है। उसमें क्या रहता है गाइस, उसमें कुछ मात्रा सीमन के रहता है, अगर वो भी अंदर चला गया वजीना में तो गर्लफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो सकती है और आप बोलोगे मैं तो स्पर्म उसके अंदर नहीं डाला था। तो गाइज आपको क्या करना है कि सेफ सेक्स करना है। जी गाइज, आप सेफ सेक्स का मतलब ये है गाइज कि आपको निरोध का उपयोग करना है। जी गाइज, आपको कोंडम लगा के आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करना है। जी गाइज, आप यदि ऐसा करोगे गाइज तो आपकी गर्लफ्रेंड कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी और आप यौन रोगों से भी बच सकते हो। अब तीसरा गलती ये करते हैं गाइज कि लड़के और बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गया और मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। जी हाँ गाइज, प्रॉब्लम में तो फंसोगे, यदि आप बिना शादी की आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप प्रॉब्लम में तो फंसोगे। आपको क्या करना है गाइज, आपको सेक्स करते समय ये ध्यान में रखना है गाइज, जब भी आप सेक्स कर रहे हो गाइज बिना कंडोम के आप सेक्स कर रहे हो गाइज, आपको अपने स्पर्म से जो निकलता है स्पर्म लास्ट में अपने पेनिस से जो स्पर्म निकलता है लास्ट में जब सेक्स के अंतिम में, तो उसको क्या करना है गाइज, अपने स्पर्म को लड़की के वजीना में इंसर्ट नहीं करना है। जी हाँ गाइज, यदि आप लोग भूल से इंसर्ट कर देते हो, आप सेक्स करते समय ये पता नहीं चलता है कि आपका स्पर्म निकल रहा है, तो आपको गाइज क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्पर्म निकल रहा हो उससे पहले आपको क्या करना है, वजीना से अपना पेनिस को बाहर कर लेना। इससे क्या होगा गाइज कि स्पर्म वजीना के अंदर नहीं जाएगा और गर्लफ्रेंड को प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं होगा। तो गाइज ये तीन गलती से अगर आप बच जाओ गाइज तो आपकी गर्लफ्रेंड प्रेमिका कभी भी प्रेगनेंट नहीं होगी आप और आप लाइफ टाइम कोई भी गर्लफ्रेंड के साथ में सेक्स का मजा ले सकते हो। यदि गाइज वीडियो कुछ हेल्पफुल है तो गाइज वीडियो को लाइक करो और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।